नमस्कार, क्या बोले भारत में आज हम पहुंच गए हैं पंजाब की एक बेहद ही खास सीट पटियाला में। पंजाब जिसकी 13 लोकसभा सीटें इस बार चर्चा का विषय है, क्योंकि इस बार कोई किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। अकाली दल और बीजेपी का भी तलाक हो चुका है, वो अलग हो चुके हैं। इस बार बीजेपी पूरी 13 सीटें अकेले अपने दम पर लड़ रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हैं, भर भर कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, ये है वो किला जिसका दबदबा सालों साल से पटियाला में रहा है। शाही परिवार 11 बार यहाँ से ये जो सीट है उन्हीं के पाले में गिरी है, यानी कांग्रेस पार्टी में। लेकिन इस बार क्योंकि परिणीत कौर जो कि यहाँ से सांसद हैं बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, तो इस देखने वाली बात होगी कि क्या जनता इस बार बीजेपी के टिकट पर उनको चुनती है, या फिर सामने जो कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं बल्कि उनमें शामिल होने वाले धर्मवीर गांधी हैं उनको चुनती है। तो आइए जरा जनता का मूड परखने के लिए चलते हैं पटियाला की सड़कों पर। पंजाब की पटियाला सीट जहां पर हम पहुंच गए हैं, लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहां की वो ऐतिहासिक धरोहर दिखाएं। ये है वो किला जिसके बारे में कहा जाता है कि सालों साल से पुश्तैनी गढ़ जो कांग्रेस पार्टी का अब तक रहा पटियाला, वो इसी की वजह से रहा। हालांकि अब यह हेरिटेज बिल्डिंग है, लेकिन किला चौक जो कि पटियाला की खासियत है, यहाँ की सबसे फेमस जगह है, यहीं से हम अपने शो की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि 11 बार ये सीट कांग्रेस के पाले में रही, गढ़ रहा कांग्रेस का, लेकिन उसके बाद से जब आम आदमी पार्टी के धर्मवीर गांधी यहां से जीते, तो एक तरीके से सेंध लगाई आपने यहां पर। पिछले साल मैं कह रही हूं, लेकिन पिछले चुनाव में परिणीत कौर एक बार फिर से जीती, और अब इस बार वो क्योंकि बीजेपी में आ गई हैं, तो देखने वाली बात है कि कांग्रेस के जो सपोर्टर्स थे, क्या इस बार उनके पक्ष में आते हैं, या फिर कि बीजेपी का कितना सिक्का चलता है। आइए जरा कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत की। हम पटियाला में हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं हवा किस तरफ चल रही है। देखिए, पटियाला पंजाब और हिंदुस्तान की आज जहां तक बात है, तो हवा तो मोदी जी की ही चल रही है। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान ने गवाही भर दी है कि आएगा तो मोदी ही। पटियाला में महारानी साहब को हम सब अपनी माँ मानते हैं, ठीक है ना? तो हमारे लिए पार्टी नथिंग मैटर, हम सिर्फ महारानी साहब को वोट करेंगे। धर्मवीर गांधी जब जीते उसकी क्या वजह? धर्मवीर गांधी एक हवा में जीत गए थे, उसके बाद पटियालवियों ने कभी देखा है धर्मवीर गांधी? उसके बाद कभी नहीं देखा। और ये जो कॉम्बिनेशन बने ना, एक राष्ट्रभक्त मोदी जी और दूसरे राष्ट्रभक्त हमारे कैप्टन साहब, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लीड से जिताएगा महारानी साहब। 13 सीटों में से कितनी लग रही? देखो, हम तो 13 की 13 कहेंगे, फिर भी हम कम से कम आस रखेंगे कि हम 10 जीत रहे हैं, दिखा देंगे। अंडर करंट है बीजेपी के पक्ष में, अंडर करंट है, बिल्कुल है जी। अभी नहीं करंट होगा तो कब होगा? राम मंदिर बनने के बाद भी करंट नहीं होगा, 370 धारा हटने के बाद भी करंट नहीं होगा उसका। लेकिन पंजाब में इंपैक्ट दिख रहा है राम मंदिर का, धारा 370 के हटने का, यहाँ कुछ उसका इंपैक्ट? बिल्कुल है जी, जो हिंदू वो एक तरफ हो चुके हैं, ऐसे नहीं है, पूरे जो सरदार है वो भी, सरदार लोग वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। करतारपुर से लंका खुलने के बाद, बाल दिवस बनाने के बाद, हेमकुंड साहब का रोपवे बनाने के बाद, जो यहाँ की जनता है वो सारी की सारी बीजेपी के हक में आ रही है। हाँ जी, तो इनके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि 13 की 13 सीटें बीजेपी ही जीत रही है, लेकिन यहाँ तो चौतरफा लड़ाई है ना, एक तरफ अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और चौथे नंबर पे बीजेपी भी, मतलब चार, इस चार तरफ की लड़ाई में क्या लग रहा है? बिल्कुल वही लग रहा है जो ये कह रहे हैं जी, कि 10 तो आ ही रही हैं और 100% क्लियर समझ के चलो कि आ ही रही हैं, क्योंकि मोदी जी की हवा नहीं, अंधेरी चल रही है। 3 का मार्जिन क्यों छोड़ रहे? 3 का मार्जिन इसलिए छोड़ना पड़ रहा है, वो पुरानी बात हो गई, अब तो 10 के ऊपर हमारी मेहनत पूरी चल रही है। और आप देखना कि 10 में से काफी हद तक हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि अभिनंदन भी हमारे साथ है। अभिनंदन को लेके आए, उरी हमला किया, हमारे फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेटें वगैरह दी, जो जो उनको चाहिए था मुहैया करवाया। सरकार यहाँ आम आदमी पार्टी की है, अब तो कांग्रेस के साथ दिल्ली में तो गठबंधन भी है, यहाँ पे भले ही अलग अलग हो, आम आदमी पार्टी का कितना इम्पैक्ट? आम आदमी पार्टी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉ और ऑर्डर है नहीं, और स्नैचिंग इतनी हो चुकी है, राज आते
औरतों की स्नैचिंग हो जाती है, कान की बालियां छीनी जाती हैं, चाइने की नीचे खींची जाती हैं और पुलिस का कोई दबदबा नहीं है। हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। मैं जरा मुद्दे समझने की कोशिश करती हूँ, आपके लिए मुद्दा क्या है? मोदी जीतेगा जी। क्यों? विकास इतना मोदी ने किया और किसी ने किया नहीं जी। पटियाला में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी बीजेपी की। जब भगवंत मान की सरकार आई थी और अरविंद केजरीवाल, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि मुफ्त बिजली, मुफ्त स्कूलों में बच्चों के लिए सब कुछ सुविधाएं होंगी, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही है, उन सबका यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा? उन सबका यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, इन्होंने स्टार्टिंग में तो काफी वादे किए थे कि हम मुफ्त ये करेंगे, मुफ्त वो करेंगे, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब भी चुनाव हुआ है पंजाब में, पिछले दिनों में देखने में आया कि यहाँ पर नशाखोरी और नशा मुक्ति ये सबसे बड़ा स्लोगन पार्टियां लेकर के आई थी, उसका कितना इम्पैक्ट इस चुनाव पर? आप किसी से भी पूछ सकते हो, जब से ये गवर्नमेंट आई है आम आदमी पार्टी की, हर एरिया में यहाँ पे ड्रग डीलर आ गए। कहाँ से आए हैं कुछ नहीं पता। आप किसी मर्जी एरिया में चले जाओ, आपको कोई ना कोई नशा, जो मर्जी नशा ले लो, हर तरह का नशा मिलेगा यहाँ पे। कोई उससे कोई छुटकारा नहीं मिला? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बढ़ गया जी, 10 गुना हो गया ज्यादा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। सरकार कर क्या रही है? क्या करना है सरकार ने? कुछ भी नहीं कर रही सरकार। पैसे पहुंच रहे हैं, इनके लीडर हैं जो, उनको पैसे मिल रहे हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा जी। अकाली दल के साथ बीजेपी का अलग होना और इस बार 13 की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना, इससे फायदा होगा? देखो जी, पंजाब में जो हिंदू वोटर है और जो सिख वोटर है, इन्होंने तो अपना करतारपुर साहब नंगा खिलाया, तो जितना वोटर सिख है वो बीजेपी को वोट डालेगा। वो राम मंदिर बना, इतनी खुशी हुई लोगों को, वो राम मंदिर बनेगा तो हिंदू को पूरी वोट बीजेपी को डालेगी। बाकी वो ठीक था, पहले इनके साथ था अकाली दल के साथ गठबंधन, अब अपने दम पर ये अपना दाव जमाना चाहते हैं भी कितनी पावर कितनी है। तो ये तो अकाली दल से हटने की बात हुई, लेकिन युवा जो है, युवा के लिए रोजगार, वो मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है और साथ में नशा मुक्ति जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पंजाब का युवा उसके दिल में क्या? पंजाब के युवा में सिर्फ अब मोदी जी का ही क्रेज है। यहाँ पे ना मुद्दा बेरोजगारी का बहुत है। असल में क्राइम कहाँ से शुरू होता है? बेरोजगारी से। अगर युवा बेरोजगार होगा वो नशा करेगा, नशा करने के लिए वो चोरियां करेगा, वो क्राइम करेगा। ये क्राइम की असल जड़ है बेरोजगारी। युवा क्या सोच रहा है? युवा बस नौकरी सोच रहा है और अच्छा भविष्य देख रहा है। आज मेरा बेटा है, आज जहाँ सरकारी पेपर की तैयारी के लिए आया है। बड़ा बेटा मेरा कनाडा में बैठा है, वो कह रहा है पापा जहाँ ना भेजो यही इंडिया में देखो। भारत का नाम तो विदेश में काफी रोशन हुआ है, लगता है ये इम्पैक्ट? नहीं, वो तो ठीक है। वैसे एक बात तो है, अब की बार हमारे गांव में नौकरियां मिली हैं, गरीब बच्चों को मिली हैं, पहली दफा है नहीं, 25 लाख 30 लाख मांगते थे, तो अब नौकरी मिलेगी आपके बच्चे को। किसने दी? अपने भगवंत मान ने, सरकार ने नौकरी दी है गरीब बच्चों को। आपको लगता है वो ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, अच्छा काम है जो गरीब बच्चे के लिए कर रहे हैं। आप बताइए, इनका तो मानना है कि यहाँ की सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपने इतने चुनाव देखे पटियाला के, आपके मन में? अच्छा नहीं कर रहे जी आम आदमी पार्टी ना जी। सबको कह रहे हैं बिजली माफ, सड़कें सभी टूटी हुई हैं शहर की, जहां मर्जी शहर ही आ रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। सरकार ने हमें, हम हैं भी जर्नल, किसी ने एक पैसा नहीं दिया हमें कभी, पहली बार हमारा जीरो बिल आ रहा है अभी। आ रहा है जी, हमारा तो 6000 रुपये बिल आया, हमारा तो कोई नहीं जीरो आया कभी। जो पंजाब में गुंडागर्दी बढ़ गई, स्नैचिंग बढ़ गई, मुकदिया मोबाइल खो रहे हैं, उसका तो बताओ, उसका क्या हाल है? हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, जो हम यूथ चाहते हैं हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार होगा हम हर चीज़ ले सकते हैं, हम पे कर सकते हैं। आज के दिन स्नैचिंग क्यों हो रहा है? लोग रोजगार नहीं मिलता उनको, वो फ्री में होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनकी स्टडी की वैल्यू नहीं पड़ती, उनकी वैल्यू ना होने की वजह से वो करते हैं चोरी करते हैं, डकैत करते हैं, नशे में जाते हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमें रोजगार चाहिए सरकार से, ठीक है ना? हम चाहते हैं, वो सिर्फ मोदी दे सकता है। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे
और क्या है उनकी हकीकत। हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये यहाँ का मेन एरिया है जहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए भी बहुत आते हैं, और मैंने जैसा कि बताया कि ये किला चौक हर चीज के लिए यहाँ पर फेमस है। कुछ यहाँ जो दुकानदार हैं, थोड़ा सा जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका रुख इस बार चुनाव में किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए जरा दुकानों पर भी चलते हैं। जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव तो मोदी ही आएंगे। मोदी आएंगे 100% आएंगे मोदी। क्यों? वो हमारा सब कुछ किया है, 370 तोड़ती हमारे राम मंदिर का मुद्दा था वो उठा दिया, हिंदू तख्त के लिए सबकी लोगों के लिए 150 होते हैं, गुंडागर्दी यूपी में ख़त्म हो गई, हम तो कह रहे हैं पंजाब में भी ख़त्म हो। जो लोग हर रोज मर रहे हैं, कोई गैंगस्टर पा रहा है या कुछ हो रहा है, मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं सुन रहा। हाँ। मत तो चांस है कि मोदी जी सोचेंगे मिडिल क्लास के लिए। आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में तो महारानी है और कौन है। अच्छा, क्यों? बस वही है शहर के लिए और क्या, मोदी के लिए हम उसके वोट डालेंगे। मोदी के लिए? पहले वो कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में? हाँ जी, तब भी उसी उन्हीं को डालते थे कांग्रेस में, तब भी थे। मतलब आप उम्मीदवार देख रहे हैं? हाँ जी। वजह क्या है उनको चुनने की? वजह बस एक ही वजह है, बस जो जिसने राम लाए हैं, जो राम को लाए हैं वही हम उनको लाएंगे। बस राम मंदिर मुद्दा आपके लिए? हाँ, बस वही है। बेरोजगारी, और इनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से गुंडागर्दी है, चोरी डकैती है, वो सब मुद्दा है या नहीं? नहीं, कोई ऐसी नहीं है, नहीं है। आपके लिए राम मंदिर? हाँ। आपके दिल में क्या है? आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। वजह? वजह हमें पूरी सहूलत मिली है, बिजली बिल जीरो आए, हमारे महिला क्लिनिक खुले जिससे हम लोगों को दवाई लेने में ज़्यादा सहूलत मिली है, सभी मेडिकल टेस्ट हमारे फ्री हुए, कोई पैसा नहीं लगता, रोज़गार हमारे पास नहीं है, जैसे हम छोटी मोटी अपने घर परिवार चलाते हैं, जैसे हमें बहुत सहूलत है आम आदमी पार्टी से। यहाँ पर मैंने और लोग आगे भी हमारे लिए काम करेगा, वो बोल रहा था कि महिलाओं को मदद करेगा, पैसे डालेगा, हमें विश्वास है कि वो करेगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका कहना है महिलाओं की चेन खींच ली जाती है, पर्स छीन लिए जाते हैं, इतनी गुंडागर्दी है, ऐसा है? उसके लिए सरकार थोड़ी जिम्मेवारी, वो तो बेरोजगारी है, लोगों को काम करना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, जो नौजवान युवा पीढ़ी हमारी वो पढ़ती लिखती है नहीं है, और भूखमरी के कारण वो ऐसे काम करती है कि हाँ किसी की चेन खींच ली, उसको बेच दिया, उसके पैसे लिए और नशे पत्ते में लग गई, मेहनत करनी नहीं है उनको, इसमें सरकार की तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। तो कानून व्यवस्था तो उन्हीं के हाथ में? हाँ जी, कानून है उनके हाथ में। कानून सही चल रहा है? कानून ठीक है, कानून भी अपनी जगह सही है, लेकिन आप मुफ्त की रेवड़ी जिसे कह रहे हैं उसके पक्ष में? नहीं जी, वो बात नहीं है मुफ्त की, जब हमें रोजगार मिलेगा तो हम क्यों मुफ्त की लेंगे, किसी को शौक नहीं है, मजबूरी भी है। आपको लग रहा है आप ठीक कर रही है? मेरे को लग रहा है मेरा वोट है, मेरे को भगवंत मान को देना चाहिए, मैं तो उन्हीं को दूंगी खुशी। तो इनको तो यही बात लग रही है कि भाई महिलाओं को यहाँ पर जिस तरीके से मुफ्त बिजली की बात है, महिलाओं को क्योंकि घर चलाना होता है तो उनके लिए मुफ्त बिजली एक मुद्दा है, चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा तो पुराने ही है सारे, जो बेरोजगारी का है, धंधे का है, सारा कुछ है, वही चीज है सारी, पर कैंडिडेट तो वही है सारे, वो कौन क्या करेगा, इसका क्या भरोसा है? तो उम्मीद किससे है? उम्मीद महारानी साहब से है। महारानी साहब से? बिल्कुल है। पहले वो कांग्रेस भी की है, चाहे कांग्रेस में थी, वहाँ कंट्रोवर्सी कुछ भी हुई, नहीं बनी बात, या वो कांग्रेस पार्टी डाउन चली गई, कुछ भी लगा लो, अभी मोदी साहब हैं बेस्ट। लगता है मोदी जी से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। तो आपके लिए मुद्दा कुछ नहीं है, लेकिन आप महारानी परिणीत कौर को चाहते? चाहते इसलिए ना, अभी ऊपर मोदी साहब, नीचे स्ट्रांग पार्टी है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बाकी को तो पता ही नहीं कौन कितना आगे, कितना पता ही कुछ नहीं। चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे आपके मन में क्या मुद्दा हो? हम तो रानी को ही जितवाएंगे, रानी को, कमल को। वजह क्या है? वजह अच्छी है हमारे लिए, पटियाले की बहुत अच्छी चीज है, हम तो उसी को देंगे। पहले वो कांग्रेस से लड़ती थी, अब वो बीजेपी में आ गई है। अच्छा है ना, बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बीजेपी जो करेगी, मोदी ने जो करा वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मोदी और योगी तो इस समय सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है मोदी और योगी। हाँ। जो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था बनेगा करके, उन्होंने
करके दिखाया हमारे लिए, इसलिए हम उसको जिताएंगे। ऐसा उन्होंने क्या काम किया जिसकी वजह से सारी नारी शक्ति जो है मोदी जी के साथ? मोदी जी नारी शक्ति के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। हाँ। हर चीज़ में आगे। राम मंदिर हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि ये आज तक बनेगा करके 550 साल में। जो उन्होंने करके दिखाया, वैसे ही वो मथुरा का उद्धार करेंगे, वैसे ही उन्होंने काशी का करा, वैसे ही उन्होंने केदारनाथ का करा। उनके बराबर तो कोई ना आएगा ना होएगा। अभी भी आगे 5 साल के बाद भी वही आएंगे। अच्छा, हाँ, 5 साल बाद भी फिर भी वही आएंगे। जब तक रहेंगे और तब तक वही आएंगे। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचती है? बस ठीक है, आम आदमी पार्टी बस चल रही है गड्डी। कोई खास नहीं है, उम्मीद नहीं है उनसे? नहीं नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने पहले भी सोचा था, पहले लोग उन्होंने 1000-1000 रुपए देंगे हम कापी में वोट डालने के लिए जितवाया था, तो किसी को नहीं दिया, बेवकूफ बना के चले गए। इसलिए हम तो कमल के फूल को ही खिलाएंगे। धर्मवीर गांधी कितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं? 9 है, खत्म है, कुछ नहीं है, 0 है जी। वजह क्या है? काम की बात ही, उन्होंने काम थोड़ा अच्छा किया जी। पहले बने थे एमपी, बने थे पहले, कौन सा उन्होंने काम किया? कोई काम नहीं किया है। ठीक है, महारानी का काम तो दिखता ना, किसका दुख सुख होता है, महारानी जाती है वहाँ पे, हर एक जगह जाती है महारानी। ठीक है, कोई गरीब बुलाए वहाँ भी जाएगी, मीर बुलाए तहाँ भी जाएगी, महारानी खड़ती है हमारे यहाँ पंजाब में। ठीक है, पटियाली शहर की महारानी है जो कुछ है। यहाँ तो मोदी आना चाहिए जी, बस हम तो मोदी को मारेंगे वोट। हमारी 400 वोट घर की है, सारी मोदी को ही पड़ेगी। अच्छा, तो इन्होंने तो बड़ी बात कर दी कि 400 की 400 जो वोटें हैं इनकी वो नरेंद्र मोदी को पड़ेंगी। लेकिन ज़रा हाँ, आप बताइए। देखो जी, हम तो चाहते हैं जो राम को लाए हैं हम तो उनको ही लाएंगे। यहाँ पर भी राम। हाँ। हमारे दिल में राम, हमारे घर में राम, जहाँ देखो वही राम। हमारे दिल में भी देखो मोदी जी ही है जी। देखो ये हमारे देश का मुद्दा है, हमारे देश की सुरक्षा का मुद्दा है। हम उन्हीं के छत्र छाया में तो 10 साल देख रहे हैं मोदी जी के राज को हो गए। तो इससे पहले भी आए थे कई प्रधानमंत्री जो मोदी जी के हैं नेतृत्व में, जो सरकारें चली हैं, ऐसा कोई सरकार ने नहीं आज तक कोई मंदिर बनाया। देखो मुद्दा मंदिर का भी लगा लो, मुद्दा हमारे देश की सुरक्षा का लगा लो, कोई भी लगाओ मुद्दा, लेकिन मोदी जी खड़े हैं। दिल में क्या मुद्दा है, किस आधार पर वोट डालेंगे? अकाली दल को डाल देंगे। अकाली दल को? अकाली दल, क्या वजह? एनके शर्मा, वजह तो है। मतलब उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से आप उनको चुने? काम करते हैं, सुनते हैं सबकी, काम करते हैं। मोदी, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, किसी को नहीं डाल दो, अकाली दल आपके दिल में? अच्छा कर रही है अकाली दल? हाँ, अच्छा कर रही है। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत कर। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखा सबको की चोचो मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खान को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। बात कर रहे हैं उसके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या है। मुद्दा तो मैडम विकास है। अगर कोई विकास करेगा यही मुद्दा है। जो बेरोजगार लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको नौकरी चाहिए, जो गरीब है उनको देखा जाए भी, जो जरूरतमंद है उनको ही चीज मिले, जो जरूरतमंद नहीं उनको भी दे ही जा रहे हैं, जो पहले से रज्जा हुआ है उसको भी रजा रहे हैं, जो भूखा है तो उसको दे ही कुछ नहीं रहे। बाकी ये है जी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी वगैरह बननी चाहिए हमारे साइड, देवीगढ़ साइड, और कॉलेज वगैरह या कोई हॉस्पिटल या फैक्ट्री वगैरह लगनी चाहिए, जो जो कि जो बेरोजगार लोग हैं तो उनको काम मिल सके। ये लेबर चौक है जी, यहाँ 4-4 दिन लड़के ऐसे ही खड़े रहते हैं, कोई दिहाड़ी नहीं लगती, 4-4 5-5 दिन तो है ही नहीं है, काम क्या करेंगे। किससे उम्मीद है? उम्मीद तो जी आम आदमी पार्टी से है। हाँ, हरमीत सिंह पठानवा जरा बढ़िया नाइस लीडर है। हाँ। अगर वो आगे आए तो बहुत कुछ कर सकता है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब अलग अलग हैं, बीजेपी, अकाली दल, लेकिन उम्मीद आम आदमी से है? हाँ मैडम, उम्मीद तो आम आदमी से है। आपके दिल में क्या है?
हमारे दिल में तो ऐसे ही मैडम, बेरोजगार लेबर चौक है, बेचारे ऐसे आते हैं चले जाते हैं, क्या फायदा। सरकार भी कहती है हम ही करते हैं, वो करते हैं, चौक में हम शेड बना देंगे। अभी तक शेड तो बाहर की बात रहेगी तो अभी तक वाटर कूलर भी लगे हैं यहाँ पे, और दुकानदार हमको यहाँ करने भी देते, तो क्या करेंगे, किसी को वोट बाकी, किसी को तो देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे, नहीं देंगे किसी को नोटा। जब लीडर अपने पेट भर के चले जाने तो वोट देंगे क्या करेंगे हम, हम तो ऐसे के रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सभी पार्टियों से मोह भंग हो गया है, इनका कहना है हमें किसी से उम्मीद ही नहीं है और जब वोट डालने जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन आप अभी जुड़े हैं, आपका भी मोह भंग हुआ है या उम्मीद है किसी से? नहीं, उम्मीद है मोदी सरकार से, उम्मीद है हमको। हाँ। क्योंकि जितनी भी वो अभी तक कर रहे हैं डेवलपमेंट की बातें कर रही है, कितने एक्सप्रेस वे बने हैं, ठीक है, बाकी ये 2 साल से आम आदमी पार्टी का तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ड्रामा हो रहा है, मतलब पंजाब के मुद्दे की कोई बात नहीं हो रही है। और बेसिकली जो चीज़ है, कभी सुखबीर बादल को पकड़ लेते हैं, है ना, और कभी मजीठिया को पकड़ लेते हैं, मतलब पंजाब के मुद्दे की कोई बात नहीं है। हाँ। कि आप पंजाब के मुद्दे की बात करो, कैसे आप रोजगार क्रिएट करोगे और क्या मतलब जनता को दोगे। सो बेसिकली वी वोट फॉर मोदी। आपके दिल में चुनाव में मुद्दा क्या है? हमारे दिल में तो वही मुद्दा तो विकास ही है बस। विकास किससे उम्मीद है? उम्मीद तो बीजेपी से है, जैसा सेंटर में देख रहे हैं काम हो रहा है वैसे तो उम्मीद बीजेपी से है। कौन सा काम है जो आपको लगता है सबसे ज्यादा ऐसा है जिस पर आपको वोट डालना चाहिए? हमारे यहाँ तो बेरोजगारी का मुद्दा है, मेरे नशे का है, अगर ये खत्म हो गया तो पंजाब खुशहाल है दोबारा। आपको लगता है मोदी जी आएंगे तो ये मुद्दा ठीक होगा? देखो ये आए ना आए, वैसे हमारा तो फर्ज है कि हम मोदी को लेकर आए, आना ना आना वो तो किस्मत की बात है। यहाँ पर जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, उनके बारे में क्या सोचते हैं? अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं वो देखो जी वादे सभी करते हैं पर वादे पे खरे कोई नहीं उतरते। हाँ। अभी वादे किए हुए हैं, देखो कब पूरे होंगे। हाँ। 2.5 साल हो गए अभी तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ, अब विश्वास में क्या करेंगे? विश्वास तो जो देखा है ना हमने सेंटर में काम हुआ है, विश्वास में चले तो बीजेपी सबसे ऊपर है।